और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमरीका के डेनियल पर्ल कत्ल केस के फैसले के हवाले से सामने आने वाले तहफ़ुज़ात फितरी हैं, ताहम मुलजिमान को अपील का हक हासिल था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। एक बयान में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डेनियल पर्ल नमाया सहाफी थे जिन्हें पहले तावान के लिए अगवा किया और फिर कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खबर पूरी दुनिया में फैली है और इससे पाकिस्तान पर उंगलियां भी उठाई गयी। डेनियल पर्ल केस में मुलजमान पर मुकदमा चला, 3 मुलजमान को सजा हुई। वजीर खारजा ने कहा कि डेनियल पर्ल केस में मरकजी मुलजिम शेख उमर को सजाए मौत सुनाई गयी। मुलजमान को अपील का हक हासिल था। सिंध हाईकोर्ट ने अपील पर 3 मुलजमान को बरी किया। उन्होंने कहा कि सिंध हाईकोर्ट ने शेख उमर की सजाए मौत को 7 साल में तब्दील किया। डेनियल पर्ल केस के इस फैसले से तश्वीश पैदा हुई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना है कि सिंध के होम डिपार्टमेंट ने 90 रोज के लिए मुलजमान की नजरबंदी का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि होम डिपार्टमेंट सिंध ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का भी फैसला किया। अपील का फॉरम मौजूद है, अब ये मुतलका अदालत ने देखना है।